कांडी जाके हमारे पीड़ित लोगों से जाके गले मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके तकलीफें सुनते हैं। प्रधानमंत्री के उनके लब से कोई शब्द आया नहीं आया। यू कांग्रेस आवाज उठाते रहेंगे और जनता तक पहुंचते रहेंगे। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दादाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दादाशाही नहीं चलेगा। कांग्रेस लाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। कल हमारा नेता राहुल गांधी जी का कोर्ट में हियरिंग हुआ। उस हियरिंग में हमारा राहुल गांधी जी की जो पिटीशन था उसको खारिज किया कोर्ट ने। तो राहुल गांधी के समर्थन में आज यूथ कांग्रेस सभी कांग्रेस वालों से मिलके ये रैली निकला है। रैली इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ रहा था वो आम जनता के लिए लड़ाई था। ये महंगाई के खिलाफ आवाज़ था, काला कानून के खिलाफ आवाज़ था, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ था। तो सरकार उनकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है। बहुत प्रकार का प्रयास किया, अलग अलग दिशा से एंगल डाल के राहुल गांधी को दबाने का कोशिश किया। उनका ऊपर CBI लगाया, ED डाला, मगर कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी के खिलाफ कुछ सबूत मिला नहीं है। तो आखिर में जाते जाते एक अननेसेसरी डिफेमेशन केस डाल के राहुल गांधी जी को कन्विक कराया। तो वो कन्विक्शन को लेकर राहुल गांधी का कल हियरिंग हुआ था। उस कन्विक्शन को जो स्टे के लिए मांग रखा था उसको डिसमिस किया कोर्ट ने। तो हमें एज अ यूथ कांग्रेस वर्कर्स एंड एज अ कांग्रेस वर्कर ये रैली इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी की जो लड़ाई है हम सबको साथ देना चाहिए। आज देश में कोई अगर नेता सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, काला कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, गरीब के लिए आवाज़ उठा रहा है, किसान के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी को समर्थन देना हम सब यूथ कांग्रेस, हम सब कांग्रेस वालों के लिए एक फर्ज बनता है। आगे जाके यदि हाई लेवल से कुछ आदेश आता है तो आदेश के अनुसार हम लोग आने वाला दिन में ऐसे इस प्रकार का हम लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जो रैली यहाँ में सिर्फ किया गया है ना, बाकी आज पूरा देश भर में किया जा रहा है राहुल गांधी के समर्थन में। क्या आपको लगता है कि उनका पॉलिटिकल करियर में कुछ दबाव आएगा इस चीज़ से, क्योंकि आने वाला इलेक्शन में अगर मेन लीडर, क्योंकि हम सब कांग्रेस वाला लोग जो राहुल जी का ऊपर भरोसा करते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में अगर उनका प्रॉब्लम हो जाएगा इस डिफेमेशन केस में, तो फिर क्या मतलब की होगा? हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी को एक डिफेमेशन केस में डाल के उसको कन्विक्शन कराना राहुल गांधी के कैरियर को ख़राब करेगा। हमको तो ऐसा नहीं लगता है। देश के सारा जनता जानता है, सभी गरीब वालों जानते हैं, सभी बेरोजगार, सभी किसान जानते हैं राहुल गांधी के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ वो किस प्रकार का केस था। तो सभी देशवासी जानते हैं, इसीलिए राहुल गांधी की जो इस केस के रिलेटेड से लेकर राहुल गांधी को आने वाला दिन में अपना पॉलिटिकल करियर में कुछ नुकसान होगा, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। बल्कि लोग से और प्रेम मिलेगा, लोग से और सिंपैथी मिलेगा। इसीलिए दिन ब दिन राहुल गांधी देश में पॉपुलरिटी का बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी को पॉपुलरिटी को देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए राहुल गांधी को जानबूझ के दबाया जा रहा है। पर दबेगा नहीं है क्योंकि राहुल गांधी देश का और जनता का नेता है। राहुल गांधी ये देश का नेता है, कभी डूबने वाला नेता नहीं है बल्कि उठने वाला नेता है, कभी डूबने का जगह नहीं है। तो मेरा दूसरा सवाल सर, अभी हम लोग ने सोशल मीडिया में देखा ना, नाहुम तुकी जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने किरण जिरेजी जी के लिए एक लेटर जारी करा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो हम सबको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जो सब इक्वलिटी के लिए लेटर है ना। तो क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम पर जिस हिसाब से, जैसे कि डिफेमेशन कोड जो मतलब कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसको यूज़ करके क्या बीजेपी कुछ करना चाह रहे हैं क्या? ना एक्चुअली ये UCC जो है वो राहुल गांधी का चीज़ को फिर डाइवर्ट करने के लिए वो लोग करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बन ही नहीं सकता ना। आपने पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट रखा नहीं है, आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया यूनिफॉर्म सिविल। हम लोग का एवरी ट्राइबल में, ST में, OBC में, हम लोग का दलित में, हर किसी का कस्टमरी लॉ है।
उस कस्तमरी लोगों को तो एक रात में नहीं बदल सकता है ना। और जो बीजेपी का जो डाइवर्टन पॉलिसी जो वाला गेम है वो कभी सक्सेस नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी बन ही नहीं सकता। ये हिंदुस्तान यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कंट्री है, इसमें बहुत सारा जनजाति है, लगभग 300 से ज़्यादा भाषा है, इतना जनजाति है, यहाँ में एक ही कानून को हर व्यक्ति के ऊपर में लागू करना ये संभव नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी इसका निंदा करता हूँ, और खास करके मेरा जो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को मैं जोड़ते हुए, राहुल गांधी जी को जितना दबाने के लिए आप कोशिश करेगा ना, वो उतना निखर के उतरेगा। राहुल गांधी देश का नेता है, गरीब का नेता है, युवा के लिए लड़ता है, बेरोजगार के लिए लड़ता है, आपका मीडिया के लिए भी लड़ता है। मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। आज कांग्रेस पार्टी जो संघर्ष कर रहा है आप सबके लिए, हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ नहीं है, सारा देश के लिए है। जो आज लोग तानाशाही जो कर रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ये देखिए 150 साल में ये मानहानि केस में आज तक किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा सजा 2 साल होता है, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना। ये उनका प्री प्लान है कि राहुल गांधी को कैसे संसद से निकाला जाए, अदानी का मुद्दे पर बोलने ना दिया जाए, ये बीजेपी का प्री प्लान है। हमने इसलिए पहले कुछ सब पहले बोला है, मोदी जी आप पार्लियामेंट का 543 के ऊपर आप भारी है ना, राहुल गांधी लेकिन आपका 13 करोड़ मेंबरशिप पर भारी है, देश का नेता है वो, राहुल गांधी को कभी दबाने नहीं सकेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोता है, इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, वो आप उसको कैसे दबा सके? उनका सोच विचार में नियत में कोद नहीं है। आप लोगों को दबाना है के लिए तानाशाही करके जेल में भेजेगा, CBI लगाएगा, ED लगाएगा, आप किसी भी व्यक्ति को आप नहीं दबा सकता। ये लोकतंत्र देश है। आज हम सब जनता को अपील करता हूँ यूथ कांग्रेस का माध्यम से, कांग्रेस पार्टी का माध्यम से, प्लीज़ सेव डेमोक्रेसी, प्लीज़ सपोर्ट कांग्रेस पार्टी, नहीं तो कल डेमोक्रेसी नहीं बचेगा। आप सब भी दुखित में होगा, आप माइक लेके घूमने नहीं सकेगा। मीडिया जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, जितना भी नेता संघर्ष करो ये करो, मीडिया नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम सबको मिल के बचाना बहुत ज़रूरी है। आज मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी मैं अपील करता हूँ, ऐसा तो मत करिए, नौबत मौसम बदलता है, आज बारिश हो रहा है, कल दिन होगा, ये चीज़ करना जरूरी गलत चीज़ है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को, कोई भी गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सबको भाईचारा का साथ, प्रेम का साथ, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नफरत के बाजार में अगर मोहब्बत खोल रहा है हमारे नेता राहुल गांधी जी, इसमें क्या गुनाह है? ये तो कोई गुनाह नहीं है। राजनीति अपना जगह है, राजनीति में इलेक्शन हारना जीतना हमारा जनता तय करेगा, लेकिन लोकतंत्र को बचाना सभी जनजाति का दायित्व है। अरुणाचल आप भी इंडियन डेमोक्रेसी का आदमी है, हम भी है, हम लोग सब मिलके इसको, ये तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सरकार होगा, मोदी जी जाने वाला है, कांग्रेस पार्टी आने वाला है।